The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं कोविड वैक्सीन के बारे में. कोविड वैक्सीन का सवाल है कि मुझे एक वैक्सीन का डोज लग गया है और हल्का फुल्का बुखार आया या मुझे बुखार से बहुत ऐसी तैसी होगी एक दिन, तो क्या मैं दूसरा डोज लगाऊं या ना लगाऊं, और क्या कोविड वैक्सीन जो है उससे मुझे कोविड कोरोना की बीमारी हो सकती है. ये दो तीन बहुत रेगुलर सवाल है कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में. तो याद रखिए, कोविड की जो वैक्सीन्स हैं मैंने आपको बताया है चार प्रकार की आती हैं. एक तो हमारे इंडिया में जो दो वैक्सीनें लग रही हैं, एक तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों के दोनों जो है, ये एक तो कोविशील्ड जो है ये वैक्सीन का एक छोटा सा पार्ट है, एक एस प्रोटीन को कोड करता है. तो इस एस प्रोटीन से आपके शरीर में जाते ही इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेता है, यानी उस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है, ताकि जब एक एक्चुअल वायरस आएगा उस प्रोटीन को लेके, तो वो उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके वायरस को मार देगा. सो इसीलिए प्रोटेक्ट करता है. अब प्रोटेक्शन के लिए पहले एंटीबॉडी रिएक्शन होता है बॉडी में, एंड दैट कॉजेज अ लिटिल बिट ऑफ पेन, फीवर, बॉडी एक आध दो दिन के लिए ये होता है. दैट इज अ गुड साइन, दैट सजेस्ट द वैक्सीन इज वर्किंग. तो दूसरे डोज की क्या जरूरत है? दूसरे डोज की जरूरत है क्योंकि उससे बनी गई एंटीबॉडीज का जो टाइटर है, जो नंबर है, वो इतना ज्यादा नहीं देखा गया कि आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिले. इसलिए दूसरा डोज एक महीने बाद जब आप लगाते हैं, वो एक बूस्टर डोज है, वो एक बूस्टर डोज है जिससे भी आपको एक आध दिन के लिए फीवरिश, बॉडी पेन हो सकता है, कई लोगों को नहीं भी हो, लेकिन दैट इज अ गुड साइन, दैट सजेस्ट कि आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रही है, और आपकी इम्यून सिस्टम उसके एक्टिवेशन से और ज्यादा एंटीबॉडीज बना रही है. एंड आफ्टर दैट आप उस वैक्सीन्स के वजह से आगे आने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यून रहेंगे कई महीनों तक. अब दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंड डोज. तो सेकेंड डोज लेना जरूरी है, और सेकेंड डोज उसी वैक्सीन का लेना, कोविशील्ड लिया तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन लिया तो कोवैक्सीन, बिकॉज यू कैन नॉट इंटरचेंज. कोविशील्ड मैंने एक एक डिटेल वीडियो बनाया है. कोविशील्ड एक वैक्सीन का एक छोटा सा प्रोटीन बनाता है, और कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड होल वैक्सीन है, और दोनों ही सेफ है, दोनों ही. ऑल्दो जो कोवैक्सीन है उसका थर्ड फेज ट्रायल नहीं हुआ था, लेकिन वो फिर भी सेफ पाई गई है. कई रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं, कई अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस ने उसको सेफ बताया, तो सेफ है. और जो दूसरी वैक्सीन है बाहर के लिए मिल रही है, mRNA वैक्सीन, फाइसर की, मॉडर्मा की, those are also good, दे एक्चुअली हैव अ लिटिल बिट ऑफ अनसर्टिनिटी बिकॉज इट्स अ न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन. तो हो सकता है उसके बारे में कुछ नई बातें हमें आगे चल के पता चले, बट ओवरऑल इट्स सेफ. ओवरऑल इसीलिए उसको कह लीजिए कि 18 साल के नीचे नहीं दिया जा रहा, और बाकी सारी वैक्सीन को 18 साल के नीचे नहीं दिया जा रहा, क्योंकि 18 साल के नीचे मॉर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर है, बहुत ही ज़्यादा कम है. सो 18 साल के ऊपर दिक्कत है, इसलिए दी जा रही है, और वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू. सो एक तो बात हो गई, क्या वैक्सीन से आपको एक्चुअल डिजीज हो सकती है? नहीं, वैक्सीन से आपको एक्चुअल कोविड 19 वाली बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मरा हुआ वायरस है, या तो वायरस का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटे से पार्ट से, यानी एक पूरी की पूरी गाड़ी के एक चक्के से ऊपर आप इधर से उधर नहीं जा सकते, राइट? तो वैसे ही एक चक्के के ऊपर नहीं जा सकते, वैसे ही पूरा का पूरा वैक्सीन के बगैर प्रॉपर बीमारी नहीं हो सकती. तो प्रिपेयर, ये चीज़, ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए. अगर आपको फीवर आता है एक आध दिन के लिए, दैट डज नॉट मीन कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, राइट? सो दैट इज़ हाउ इट इज़. कई लोग कहते हैं सर वैक्सीन से लोगों की, कईयों की डेथ हो गई. देखिए, ऐसा नहीं है. वैक्सीन से किसी की डेथ हो जाना इट एक्सट्रीमली रेयर, बिकॉज टेक्निकली वहाँ पर कोई इस प्रकार का रिएक्शन हो ही नहीं रहा जो डेथ लेके आ सके, जो डेथ कर सके. ये पोस्टमार्टम से भी प्रूव किया है कई जगहों पे. सो वैक्सीन और एक इम्यून रिस्पॉन्स कैनॉट जस्ट उस टाइप का उस लीड टू कैनॉट लीड टू योर डेथ. इट कैन लीड टू आपकी छुपी हुई बीमारी है, अगर कोई और बीमारी है उस बीमारी के वजह से अगर आपको कुछ हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? ओवरलैपिंग ऑफ डिजीज इज अ डिफरेंट थिंग, बट वैक्सीन कैन नॉट किल यू. नो वैक्सीन किल्स यू लाइक दिस, ओके? रिमेंबर दैट. वैक्सीन ज़रूर लीजिए,
वैक्सीन से सिर्फ एक रिस्क होता है, जो होता है एक्यूट हाई, जो रिएक्शन, हाइपर इम्यून रिएक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शन, सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन, वो होना हो तो पहले आधे घंटे में ही होगा। जैसी वैक्सीन लगी आधे घंटे में एलर्जिक रिएक्शन होगा, कभी कभी थोड़ा माइल्ड होगा, कभी कभी बहुत सिवियर होगा। ऐसे केस में इसीलिए आपको वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए बोला जाए। वेरी वेरी रेयर, बट इट कैन हैपन। जो है सो है भैया, जो नहीं है वो तो नहीं है ना। सो डरो मत, वैक्सीनेशन लगाइए, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज कतई टेंशन मत लो, हमने लगा चुके हैं। फर्स्ट डोज आपने देखा, वीडियो देखा आपने हमारा, नहीं देखा तो देखिएगा, यूट्यूब पे डाला हुआ है। और नहीं, सेकेंड डोज जब भी हमारा टाइम होगा हम जरूर लगाएंगे। सो वैक्सीन जरूर लगाइए, कोविड की और सारी दूसरी वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन हर साल लिया करो, इट्स इम्पॉर्टेंट। वो भी आपको स्वाइन फ्लू जैसी H1N1 जैसी बीमारी से बचाती है। और आने वाले बच्चे जो हैं, जिनको भी आते हैं, उनको अपनी चाइल्डहुड वैक्सीनेशन जरूर कराएं। भैया हाथ जोड़ के विनती है, गलती मत करिएगा, आपकी गलती से पूरी दुनिया भुगत सकती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो इस पे रिसर्च करिए, लोगों से बात करिए, डॉक्टरों से बात करिए, रिसर्च प्रूफ ढूंढिए, डोंट जस्ट लिसन टू वन पर्सन, इसने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं। गलत बोलने वाले बहुत है, सही बोलने वालों के पीछे पड़िए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज शेयर दिस वीडियो, वैक्सीन लगाओ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।